हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का सब्जेक्ट है जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो है ठीक से नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपको आज कुछ ऐसे लक्षण बताऊँगी जो अगर आपको आपके बच्चे में नज़र आते हैं तो जल्द से जल्द आपको इस मेडिसिन का उपयोग शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स अगर किसी के बच्चे पैदा होने के कुछ वक्त तक अगर आपको लगता है कि उसका शारीरिक विकास जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स कई लोगों के जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है कि जिन लोगों के खानदान में बच्चों के बौना रहने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर इस तरह की समस्या होती है वहाँ पर भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके फैमिली में किसी भी इंसान को बौना रहने के कोई केसेस आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस मेडिसिन का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, जिनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। जब भी कोई उन्हें कुछ भी बात कहने की कोशिश करते हैं तो वो पहले तो उस बात से गुस्सा हो जाते हैं और किसी की भी बात को ध्यान से नहीं सुनते। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी अगर उन्हें कुछ बात कही तो वो तुरंत ही उस बात को भूल जाते हैं। ज़्यादातर बातों को वो याद रखना नहीं चाहते या फिर रख नहीं पाते। ऐसे बच्चे जो दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं, जिनका वज़न दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ ही वो दिन ब दिन बदसूरत होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी किसी बच्चे का वज़न दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और उसकी खूबसूरती भी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन का उपयोग बेझिझक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिंपल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल डॉक्टर सपोर्ट। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज बात मैं करने वाली हूँ ऐसे बच्चों की जिनके स्वभाव नॉर्मल बच्चों से थोड़े से अजीब होते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही ये समझ लेते हैं कि उनके बच्चे का स्वभाव इसी तरह का है। पर मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हर बच्चे ऐसे नहीं होते हैं और अगर आपका बच्चे का स्वभाव इस प्रकार का है जो लक्षण आज मैं आपको बता रही हूँ वैसे लक्षण के अगर आपके बच्चे हैं तो उसे नॉर्मली मत लीजिए और उनकी मेडिसिन तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि वो भी दूसरों की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। फ्रेंड्स काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी बहुत उदास रहते हैं, उन्हें किसी भी काम में कोई रुचि नहीं होती। फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदाइशी बहुत ही उदासीन होते हैं, उन्हें किसी भी लोगों की बातों को सुनना अच्छा नहीं लगता, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते या किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना वजह के 24 घंटे गुस्से में रहते हैं, घर वाले भी ये सोचते हैं कि ये बार बार गुस्सा क्यों हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, उसका स्वभाव इस तरह का हो जाता है कि वो बार बार गुस्से में रहता है और हमें ऐसा लगता है कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। पर नहीं फ्रेंड्स, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, काफ़ी ये एक मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम है जो पैदाइशी बच्चों में देखी जाती है और ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी खास समस्या नहीं है। फ्रेंड्स काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से बार बार लड़ते रहते हैं या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें आप अगर अभी कुछ कह रहे हैं तो अभी वो तुरंत ही उस बात को भूल जाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को वो जल्दी से याद नहीं रख पाते, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के फैमिली में जेनेटिकली भी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर बच्चों का बौना रहने की समस्या जो है बहुत ज़्यादा होती है। फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो बौना रह जाता है, जिसे हम नॉर्मली जेनेटिकली प्रॉब्लम में ही गिनती होती है। फ्रेंड्स अगर किसी की फैमिली में इस तरह के बौना रहने की समस्या है तो आज जो मेडिसिन मैं आपको दिखा रही हूँ इसका उपयोग आपको जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊँगी एक होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स ये कॉम्बिनेशन इन सारे लक्षणों पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स ये होम्योपैथी मेडिसिन में है ट्यूबरक्यूलिनम लेनी है आपको 200 क्वांटिटी में। दूसरी मेडिसिन है सिफिलिनम को भी आपको लेना है 200 क्वांटिटी में।
और फ्रेंड्स तीसरी मेडिसिन जो है वो है स्ट्रेमोनियम। फ्रेंड्स इन तीनों मेडिसिन का डाइल्यूशन आपको लेना है और इन तीनों को आपको ये करना है कि आपको 30 ml 200 क्वांटिटी में इन तीनों मेडिसिन को ले लेना है। एक 100 ml की बॉटल में 30 ml के हिसाब से आपको ले लेनी है। उसमें सब कुछ मिक्स करके उसे अच्छे से हिलाकर बच्चे को दिन में 2 बार सुबह और रात को। फ्रेंड्स ज़रूर से याद रखिए कि इसे सुबह खाली पेट दिया जाए और रात को खाली पेट ही दिया जाए। बच्चे को रात को सोते वक्त आप ये मेडिसिन दे सकते हैं और सुबह जब वो उठता है तब उसे खाली पेट ये ज़रूर दें। और हाँ एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि इस मेडिसिन को देते वक्त 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से बच्चों की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर कर देती है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिन भी लोगों की फैमिली में बौना रहने की प्रॉब्लम है उनको जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तभी से इस मेडिसिन का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए ताकि उनकी कोख में ही उस बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से होने लगे। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी आज की सब्जेक्ट की कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अगर कुछ प्रॉब्लम में आ रहा है तो हम कैसे इस समस्या का उपाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरी और नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार।